दुनिया की हर मीडिया में ये चर्चा होने लगा है कि भारत अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है और अफ्रीका में भारत ताकतवर बनता चला जा रहा है और चीन कमजोर होता जा रहा और अफ्रीका में भारत लगभग लगभग चीन की जगह ले चुका है। एक्सपर्ट और थिंक टैंकों ने तो अब ये मानना भी शुरू कर दिया कि भारत चीन के नाक के नीचे से अफ्रीका में चीन की जमी जमाई जमीन खिसका रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बने। और तो और अफ्रीका के तमाम देशों में चीन की कूटनीति और विदेश नीति दोनों ही धराशायी हो रही है। इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं चीनी मीडिया को काफी पहले से ही लग गया था और यही वजह है कि चीनी मीडिया 2 सालों से भारत पर आरोप लगा रही है कि भारत अफ्रीकी देशों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए चीन की छवि को खराब कर रहा है। और अब ऐसे में देखा जाए तो चीनी मीडिया भले ही भारत के ऊपर अफ्रीकी देशों में चीन की छवि खराब करने का आरोप लगाए, लेकिन चीन को ये समझ में आ चुका है कि अब भारत भी अफ्रीका में चीन को टक्कर देने के लिए अपने पैरों को मजबूत कर चुका है। तो वहीं दूसरी ओर फॉरेन पॉलिसी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अफ्रीका से चीन को हटाने के लिए एक बड़ी रणनीति बना चुका है और इस रणनीति के तहत भारत एक एक करके अफ्रीकी देशों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहा, जिसके बाद अफ्रीका में भारत ने चीन के वर्चस्व को बड़ी चोट लगाई है। इसके साथ ही चीन को यकीनन अब नींद नहीं आएगी, क्योंकि भारत लगातार अफ्रीकी देशों को ये समझाने में कामयाब हो रहा है कि चीन की व्यापार नीति अफ्रीकी देशों के हित में नहीं है। इसके साथ ही फॉरेन पॉलिसी ने यह भी दावा किया कि अफ्रीका के अंदर चीन को अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अफ्रीका में चीन के प्रति उल्टी हवा चलने लगी है और इसी को लेकर चीन काफी घबराया हुआ है और उसको डर सता रहा है कि अफ्रीकी देशों में चीन की 10,000 से ज्यादा कंपनियों का भविष्य अंधेरे में आ सकता है। इसकी वजह भी है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का दावा है कि अफ्रीकी देशों में चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को नए ठेके मिलने के मामले में 34% की भारी गिरावट आई है और पिछले 22 सालों में अफ्रीका के अंदर चीन को नए ठेके मिलने के मामले में ये सबसे बड़ा जोरदार झटका है। खैर, अब जिस तरह से तमाम अफ्रीकी देश भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए शिखर सम्मेलन को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं और अब ऐसे में देखा जाए तो भारत अफ्रीका के अंदर चीन की बुनियाद हिलाने में कामयाब हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।